वेलकम टू एवरीबॉडी। टॉपिक है नरेशन। नरेशन को देखते हैं। नरेशन को हिंदी में कथन कहते हैं, और बात करें तो स्टेटमेंट। नरेशन को स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा टू स्टेट भी कह सकते हैं, और देखा जाए तो स्पीच भी बोल सकते हैं। इन नरेशन को केवल नरेशन ही नहीं, स्टेटमेंट, टू स्टेट और या फिर स्पीच भी बोल सकते हैं, यानी कथन। कुल मिला के क्या है? कथन। कथन क्या होता है कि जिसको लोग अपनी भाषा में बोलते हैं या फिर दूसरे के द्वारा कही हुई बात को बोलते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट से डायरेक्ट नरेशन और दूसरा वाला है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन को हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। यहाँ पर इनके एक एक एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल है यहाँ पर, उसी प्रकार इनडायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल है। तो देखते हैं पहले एग्जाम्पल कैसे है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है राम सेड टू सीता कामा इन्वर्टेड कामा यू हैव बीटन मी। उसी प्रकार इसका एग्जाम्पल है राम टोल्ड सीता दैट सी हैड बीटन हिम। अब बात, मेन बात यह है कि डायरेक्ट नरेशन एग्जाम्पल केवल देख लेने से बात नहीं बनती। इसके बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल को आके दोबारा पढ़ते हैं, तब जाके ये ज़्यादा क्लियर होगा। कैसे देखते हैं, जब किसी के द्वारा कहे हुए स्पीच को ठीक उसी के तरह हूबहू कहा जाए वहाँ डायरेक्ट नरेशन होता है। नहीं, डायरेक्ट नरेशन में क्या देखा गया कि जब किसी के द्वारा कहे हुए स्पीच को ठीक उसी के तरह हूबहू कहा जाए वहाँ डायरेक्ट नरेशन होता है। मतलब ये कैसे, ये जो पॉइंट आया यहाँ पे हूबहू, ये इसको देखना है थोड़ा सा कैसे। मतलब तो इसके लिए एग्जाम्पल पर आते हैं। यहाँ पर राम ने सीता से कहा, राम ने सीता से कहा तुमने मुझे पीटा है। अर्थ निकल रहा है इसका, तुमने मुझे पीटा है। जैसे राम ने बोल दिया सीता से कि तुमने मुझे पीटा है, और हम भी जाकर के किसी से कह दें जाके कि राम ने सीता से कहा तुमने मुझे पीटा है। कैसे, राम ने अगर कहा तुमने तो हमने भी कहा तुमने, राम ने अगर कहा मी तो हमने भी कहा मी, अगर उसने यू कहा तो हमने भी यू कहा, और उसने अगर मी कहा तो हमने भी मी कहा। तो सेंस ये है कि जब किसी के द्वारा कही हुई स्पीच या बात को ठीक उसी की तरह कहें तो वहाँ पर डायरेक्ट नरेशन होता है। इसके बाद दूसरा पार्ट्स है इनडायरेक्ट नरेशन, अप्रत्यक्ष कथन। जब किसी के द्वारा कहे हुए स्पीच को ठीक उसी के तरह हूबहू ना कहा जाए बल्कि अपने अंदाज से कहा जाए या फिर दूसरे तरीके से कहा जाए वहाँ इनडायरेक्ट नरेशन होता है। ये भी तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक इसका एग्जाम्पल नहीं देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है राम टोल्ड सीता दैट सी हैड बीटन हिम। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि अगर राम ने यू कहा तो हमने भी यू कह दिया, अगर राम ने मी कहा तो हमने भी मी कह दिया। तो ये बात हो जाती है प्रत्यक्ष कथन की, डायरेक्ट नरेशन के, यानी हू बहू जो वो कहे वही हम कहें तो हू बहू कहा जाएगा। और अगर राम ने वहाँ पर देख रहे हैं क्या कहा था यू, और अब हम अगर इस यू के स्थान पर सी कह रहे हैं यानी अपने तरीके से कह रहे हैं, और राम ने मी कहा था हम अपने तरीके से हिम कह रहे हैं, तो पूरा क्लियर हो रहा है इस तरह में कि जब हू बहू उसकी तरह ना कह करके अपने तरीके से कहें, अपने अंदाज से कहें, वहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन होता है। तो ये हुआ इनडायरेक्ट नरेशन। दोबारा देखते हैं डायरेक्ट नरेशन क्या है। जब किसी के द्वारा कहे हुए स्पीच को ठीक उसी की तरह हूबहू कहा जाए वहाँ डायरेक्ट नरेशन होता है। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि राम ने यू कहा तो हमने भी यू कहा, राम ने मी कहा तो हमने भी मी कहा। अगर राम ने यहाँ पर देखा था कि यू कह रहा था लेकिन अब हम यू न कह करके सी कहते हैं, उन्होंने मतलब राम ने यहाँ पर मी कहा और हम हिम कहते हैं, तो जब अपने अंदाज से कहा जाता है, अपने तरीके से कहा जाता है, वहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन होता है। इसके बाद और बढ़ते हैं
फिर केवल एग्जाम्पल्स को देखते हैं, जो डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल है इस पे देखते हैं। यहाँ पे इतने भाग को एक बॉक्स में बंद करते हैं, इतने भाग को, और इधर जो कामा इन्वर्टेड कामा के इधर है या फिर कामा इन्वर्टेड कामा में बंद है, इतने भाग को एक बॉक्स में बंद करते हैं। क्यों बंद कर दिया? भाग नहीं जाएंगे इसलिए नहीं है, केवल इसलिए है कि जो ये लिखा है यहाँ पर राम सिर टू सीता, अर्थात जो कामा इन्वर्टेड कामा में नहीं है, कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है, इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। बंद करने का उद्देश्य ये था कि इनके पार्ट्स दिखा दें, यानी डायरेक्ट नरेशन के पार्ट्स दिखा दें। तो डायरेक्ट नरेशन के पार्ट्स देखते हैं कितने आ रहे हैं, तो ये बॉक्स बता रहा है एक और दो, यानी जो कामा इन्वर्टेड कामा में नहीं होता है, कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और दूसरा बॉक्स है, या फिर ऐसे कहते हैं, जो भाग कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है या फिर इन्वर्टेड कामा के जो अंदर है, उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। इसको लिखते भी जाएं, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं गया है, तो अपने हिसाब से हेडिंग डाल के बच्चे लोग क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब डालेंगे, फिर वहाँ पर लिखेंगे जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और फिर हेडिंग डालेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, कैसे लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के जो अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इस प्रकार देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट नरेशन के भी दो भाग होते हैं। अब फिर यहाँ पे और थोड़ा सा बातें बढ़ती हैं। राम लिखा है, राम रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, राम यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहा जाएगा, सीता यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट है। इस तरह इधर कोई बात नहीं होती है, इनको चेंज करना बाद में पढ़ना है, केवल पहले परिचय देख लेते हैं। यहाँ पर केवल परिचय दिया जा रहा है अच्छे से, क्योंकि क्या होता है कि जब तक किसी चीज़ का परिचय अच्छे से नहीं दिया जाए, कोई भी टॉपिक हो, अगर परिचय अच्छे से नहीं देते हैं तो वो फिर अच्छी तरह से क्लियर नहीं होता है। इसीलिए अभी अभी बताया गया नरेशन के बारे में कि उसके टाइप्स भी पढ़ लिए, टाइप्स भी पढ़ लिए, डिफिनीशन भी पढ़ लिया। अब फैक्ट ये बनते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि अगर कहीं जाना हो तो जाने से पहले अगर उस मार्ग का पता लगा लें तो जाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। कहीं पे भी जाना हो, अगर मार्ग का पता पहले से लगा के जाते हैं तो जाना आसान हो जाएगा, फिर आसानी से पहुंच जाएंगे। जाना बहुत दूर हो और हमें मार्ग नहीं पता है, बस चल दिए हैं, तो फिर इतनी कठिनाई मार्ग में मिलेंगी कि कठिनाई का सामना करने से शायद हो सकता है लौट के वापस आ जाएं। तो ऐसा कुछ करते हैं कि वापस लौट के ना आना पड़े, अंत देखते हैं, किसी भी टॉपिक को पकड़ें, ये देखना है कि अंत इसका कहाँ है, कहाँ तक जाता है। अगर अंत तक पहुँचते हैं तभी मानना कि हमें ज्ञान अच्छा हो रहा है। उसी तरह अभी अभी इस फैक्ट को फिर क्लियर करते हैं, यानी नरेशन वाले को, कि नरेशन पढ़ने तो चल दिए पर पता ये पहले कर लें कि नरेशन जाता कहाँ तक है। तो इसके लिए यहाँ पर पॉइंट्स दिखाए गए। पहला पॉइंट्स ये है कि निम्नलिखित सेंटेंसेस का परिवर्तन किया जाता है कैसे, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना है तो किस तरह होता है। पहले सेंटेंसेस को देखते हैं कि सेंटेंसेस का परिवर्तन होता है। असर्टिव सेंटेंस का भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे, इंट्रोगेटिव का करेंगे, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव, इन पांचों सेंटेंसेज का परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना है। और यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, फिर इससे ज़्यादा डिटेल में और देखेंगे जब अगला असर्टिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, या फिर इनके बारे में जब बताया जाएगा तो और इनको डिटेल में देखेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज यस आर नो सेंस, असर्टिव सेंटेंस के बारे में कहा जा रहा है कि जिसमें यस और नो का सेंस आए, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें यस और नो का सेंस आए। कैसे, जैसे कह दिया जाए, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं, दो एग्जाम्पल लिखते हैं। एक लिखा है ही गोज टू स्कूल ऐसे करके, और फिर लिखा है ही डज नॉट गो टू स्कूल। इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से ये
देखते हैं कि यस और नो का जो सेंस है कैसे है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि ही गोज टू स्कूल, यहाँ पर अगर पूछा जाए स्कूल जाता है कि नहीं जाता है तो क्या सेंस आ रहा है, अर्थ क्या आ रहा है कि वह स्कूल जाता है, यानी जब जाता है तो यस क्योंकि जा रहा है। और नीचे वाले में क्या कह रहा है, वह स्कूल नहीं जाता है, तो इस पर नहीं की वजह से कौन सा सेंस आ जाएगा, नो का सेंस आ जाए। इस तरह देखा जाए तो असर्टिव सेंटेंस के भी दो भाग होते हैं। पहले भी बता दिया कि इनको डिटेल में पढ़ेंगे जब इनके बारे में पढ़ेंगे, अभी केवल ऐसे है तो यस और नो सेंस को देखते हुए असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं। यस वाले सेंस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं और नो सेंस वाले के लिए निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, द सेंटेंस विच इज यूज्ड, यानी वाक्य जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिसमें प्रश्न उठाया जाए, वहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। प्रश्न भी किस प्रकार उठाए जाएंगे, तो जब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। तीसरे नंबर पर है इम्परेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड या फिर और। पर यहाँ पे मेन फैक्ट हैं, वाक्य जो आदेश, सलाह, विनती और आदेश ये भी कहाँ पर किसका यूज करेंगे, ये फिर जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिखाया जाएगा। यानी ऐसे वाक्य जिनसे आदेश, सलाह, विनती और आदेश का बोध हो, वहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, लिखा है यहाँ पर द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड, मतलब क्या है, दिमाग में अचानक कोई फीलिंग आ जाए, कोई भाव आ जाए, तो कैसे वो भाव होते हैं यहाँ पर लिख दिए गए हैं कौन कौन से भाव। जैसे अचानक कोई खुश हो जाए कुछ सोच करके, या कुछ ऐसा माइंड पे आ जाए कि सोच करके अचानक खुश हो जाए, या फिर दुखी हो जाए, या आश्चर्य हो जाए, या शंका हो जाए, ऐसे और भी। इसलिए यहाँ पर डाट डाट कर दिया गया है, फिर इनको और आगे पढ़ते रहेंगे डिटेल में। फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विश आर डिजायर, विश कहें या डिजायर कहें, मतलब एक है इच्छा, यानी ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा का बोध होता है उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इच्छा किस प्रकार है, जब इसको भी पढ़ेंगे, यही नरेशन पर ही पढ़ा जाएगा, तो वहाँ पर इनको फिर डिटेल से देखेंगे। नरेशन चेंजेज में सेंटेंसेज के अलावा कुछ सेंटेंस ऐसे मिलते हैं कि हो सकता है यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक जाए, यानी काफ़ी बड़े बड़े 3, 4, 5, 6 या 7 लाइन तक जाएं, उनको भी हल किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। तो उनको कैसे समझते हैं कि किस प्रकार हल करें, तो उनको सरल करने के लिए उनको डिटेल में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से करना है। यहाँ पर डायलॉग, मोनोलॉग, सोलिलॉगी, यानी इन तीन को देखना, तीन पॉइंट्स को। डायलॉग का भी परिवर्तन करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, मोनोलॉग का भी करना है, सोलिलॉगी का भी करना है। पर परिवर्तन करने से पहले इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि डायलॉग क्या है, मोनोलॉग क्या है, सोलिलॉगी क्या है। तो डायलॉग क्या हो, दो लोग आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करें, कन्वर्सेशन करें, वहाँ पर डायलॉग होता है कि दो लोग हैं, दोनों लोग एक दूसरे से प्रश्न करते हैं और दोनों लोग एक दूसरे को उत्तर देते हैं, रिप्लाई करते हैं, वहाँ पर होता है डायलॉग। यानी डायलॉग की सिंपल सी परिभाषा क्या है कि जैसे कि फिल्मों में देखते हैं कि हीरो और विलेन आपस में एक दूसरे को एक दूसरे के बातों का रिप्लाई करते रहते हैं, तो वहाँ पर उसको बोलते हैं डायलॉग। डायलॉग समझते हो कितने मशहूर होते हैं किसी किसी के, तो खुद लोग बोलते हैं कि ज़्यादा डायलॉग ना बोल। उसी प्रकार है कि डायलॉग क्या है, कि डायलॉग में सीधा सीधा बता दिया गया है कि जब दो लोग आपस में एक दूसरे की बातों का रिप्लाई करते हैं, वहाँ पर डायलॉग होता है। इसके अलावा दूसरा देखते हैं मोनोलॉग। मोनोलॉग में भी दो लोगों के बीच में वार्तालाप होती है। इसका एग्जाम्पल देते हैं सबसे अच्छा कि जब कोई व्यक्ति भाषण देता है, स्पीच करता है, और जनता जो है बराबर सुनती रहती है, यानी इससे क्या पॉइंट बनता है कि जब व्यक्ति भी दो हों, दो का मतलब क्या है कि एक बोलने वाला दूसरा सुनने वाला,
यानी जब दो लोगों के बीच में बात हो तो केवल एक बोले बाकी दूसरा सुने, बोले नहीं केवल सुने, यानी जब दो लोगों के बीच में बात हो एक केवल सुने दूसरा केवल बोले। तात्पर्य यह है कि जब केवल एक व्यक्ति बोलता है दूसरा केवल सुनता है उसको मोनोलॉग कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है सोलिलॉकी। सोलिलॉकी को समझ लेते हैं, सोलिलॉकी क्या है। तो सोलिलॉकी में क्या होता है कि जब केवल एक व्यक्ति हो, यानी वही बस हो, केवल एक हो, इसको आत्मभाषण भी कहते हैं हिंदी में, अकेले एक व्यक्ति हो, अकेले में ही बात करे, अकेले में बड़बड़ाए, उसको कहते हैं सोलिलॉकी। केवल बड़बड़ाता चला जाए या फिर अपने फ्यूचर को लेकर कुछ ऐसे बात कर ले, बोल ले, तो वो होता है सोलिलॉकी। तो इनको एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, डायलॉग, मोनोलॉग, सोलिलॉकी। जैसे कि बताया जब दो लोग हों दोनों बोलें तो वहाँ पर होता है डायलॉग। और मोनोलॉग में क्या होता है, एकल संवाद, एकल आप में क्या होता है कि उसमें भी दो लोग होते हैं, उसमें से केवल एक बोलता है, एक सुनता है। और सोलिलॉकी में कैसा है कि केवल एक ही व्यक्ति होता है और वो अकेले स्वयं से बातचीत करता रहता है, स्वयं बड़बड़ाता रहता है, उसको सोलिलॉकी बोलते हैं। तो इनका भी परिवर्तन हमें देखना है। तो इस तरह इनके अलावा और भी हैं जिनका चेंजेज किया जाता है, उसको बोलेंगे एक्सेप्शन। नरेशन में एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। होता क्या है कि जब पेपर को टफ बनाना होता है तो वहाँ पर एक्सेप्शन डाले जाते हैं, और एक्सेप्शन लोगों के पढ़े नहीं होते हैं तो यहीं पे वो लोग रुक जाते हैं, कहते हैं कहाँ से आया, बड़ा कठिन है। तो ऐसे में एक्सेप्शन भी देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे, डायलॉग, मोनोलॉग, सोलिलॉकी देखेंगे, एक्सेप्शन देखेंगे। और एक्सेप्शन सबका अलग अलग होगा, हर सेंटेंस का अलग होगा एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या हुआ करते हैं कि जो सबसे हट के हो उसको एक्सेप्शन बोलते हैं या अपवाद बोलते हैं। तो इसका जब चैप्टर लेंगे तब वहाँ पर इसको फिर अच्छे से बताएंगे एक्सेप्शन क्या है, कैसे परिवर्तन करते हैं, यानी जितने भी सेंटेंसेस हैं जिनका जिनका एक्सेप्शन होता है सबका बताया जाएगा। और अब देखते हैं नरेशन के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं कि नरेशन जो है स्टार्टिंग की बात करें तो नॉर्मली 6, 7, 8 से भी हो जाती है, लेकिन अगर मेन रूप से देखा जाए तो इसकी स्टार्टिंग 9th से 10th, 11th, 12th इतने क्लासों में होती है। इनके अलावा, यानी इन चारों क्लासेस के अलावा कम्पटेटिव एग्जाम SSC हैं या फिर और बढ़ते बढ़ते छोटे से लेकर बड़े तक सब में पूछे जाते हैं। और ये 9, 10, 11, 12 में ये नरेशन का इंट्रोडक्शन है, हर क्लास में बराबर का 10, 11, 12 के अलावा कम्पिटेटिव एग्जाम वाले भी हैं, अगर उनको डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं, इंट्रोडक्शन चैप्टर अगर देख लेते हैं तो एक एक पॉइंट उनके भी क्लियर